हमरा संग उपस्थित छथि लोक जन अधिकार पार्टी के संस्थापक राजेश रंजन और पप्पू यादव। पप्पू भाई बहुत बहुत स्वागत है अहाँके मिथिला मिरर में। ओकर बाद जे छै से चूँकि हर स्टेज पर हर मंच पर जे छै अपन जे उपस्थिति अहाँ दऽ रहल छियै आ लोक के जोड़बाक जे अहाँ एकटा कोशिश कऽ रहल छियै ओकरा विषय में की कहबै अपने? देखियो, हम अहाँसँ एक बात कहब, ये समाज परिवर्तन चाहै छै। हर व्यक्ति एक स्नेह चाहै छै, हर व्यक्ति के जीवन में अपन विकास चाहै छै, हर व्यक्ति अब ये राजनीतिक व्यवस्था से उब गेल छै। एक रिश्ता व्यक्ति के हम चाहै छियै कि वसुधा से वसुधैव कुटुम्बकम से के भाव से व्यक्ति के साथ चलना चाहिए। मानव के धर्म, मानव मानव एक है, एक चूल्हा एक चौकी, एक है मानव समाज, या जे सार्वभौमिकता के कल्पना हमर जे इतिहासक व्यक्तित्व के लोग हमर सब करलका, समाज निर्माता लोग जे करलका, चाहे शिव के भाव के देखियो, बुद्ध के भाव के देखियो, राम और कृष्ण के कर्म के देखियो, चाहे मोहम्मद साहब के भाव के देखियो, चाहे वाल्मीकि के भाव के देखियो, हम सिर्फ इतने कहब कि जो उनका भाव है हम उसी भाव से ही समाज को ले चल सकते हैं। समाज राष्ट्र कल्याण मानव कल्याण के बगैर नहीं संभव है, विश्व कल्याण मानव कल्याण के बगैर संभव नहीं है। मैं समझता हूँ विश्व का कल्याण संपूर्ण मानव के निर्माण से ही संभव है। और दिल्ली हो या फिर बिहार या फिर मिथिला के क्षेत्र जतय से अहाँ आबै छी, जे कोनो आंदोलन होइ छै, चाहे वो पीड़ित होए, दलित होए, या फिर खास कर जे कोनो परिवार के बच्चा शहीद होइ छै, स्थानीय सांसद नहीं पहुँचे छै लेकिन पप्पू यादव दिल्ली से पहुँच जाए छै। जी, निश्चित रूप से कि हम एक बात के समझे छिए कि जे राजनीतिक व्यक्ति छै सिर्फ राजनीति करै छै, पिक एंड चूज पावर, ग्लैमर, मनी, ऐ चीज के राजनीति ज्यादा भए गेले है। अहाँ देखबे कि ए देश में समाज में शक्ति के पूजा हमेशा भेले, आम आदमी के रेस्पेक्ट आम आदमी के जीवन के साथ कम लोग जुड़े छे। शक्ति के पूजा आवश्यकता के अनुसार भगवान के कल्पना भेले या तो भय के कारण भेले, भय और आवश्यकता के बीच में द्वंद्व में ए समाज फसल छे। हमरा लागे छे भय और आवश्यकता से हमरा निकलना चाहिए और निश्चित रूप से हर व्यक्ति समाज में जाति से बड़ा आतंक, धर्म और मजहब से बड़ा आतंक आज के डेट में कुछ नहीं है। हमें जब तक जातीय आतंक और धार्मिक और मजहबी आतंक को हम समाप्त नहीं करेंगे, मुझे लगता है ये जो उग्रवादी है, ये जो आतंकवादी है, इसको तो हम तोप से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति हर व्यक्ति जाति के जहर में कूद जाए, धर्म के और मजहब के जहर में कूद जाए, हर व्यक्ति हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के जहर में कूद जाए, तो फिर आप समाज को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, फिर समाज ख़त्म हो जाएगा। वहाँ गोली नहीं चल सकती, वहाँ तोप नहीं चल सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से समाज में व्यक्ति का विकास हो और समाज में आर्थिक रूप से कैसे हर व्यक्ति हर परिवार आगे डेवलप करे, यह बहुत ही आवश्यक है। हम समझते हैं कि किसी भी परिस्थिति में जब तक शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से समाज का रेस्पेक्ट नहीं होगा, जब तक गरीबी से हम आतंक से मुक्ति नहीं लेंगे, जब तक हम बीमारियों से आतंक से मुक्ति नहीं लेंगे, जब तक हम बेरोजगारियों के आतंक से मुक्ति नहीं लेंगे, जब तक हम शोषण के आतंक से मुक्ति नहीं लेंगे, जब तक ये गैर बराबरी की कल्पना होगी, तब तक हम संपूर्ण मानव और संपूर्ण राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल, पप्पू यादव के जे बलवंत राय वाला ऑफिस सन से, रंजीत रंजन के जे ऑफिस सन से, ओहिपर लिखल छै कि जे केओ मरीज छथि हुनका लेल द्वार खुजल रहै छै संपूर्ण जी, आ 500 करीब मरीज जे छै से 500,000 हरदम रहै छथि, एहि के पाछा की मोटो छै? संपूर्ण दुनिया, देश नहीं दुनिया के लोग जो भी आएंगे उनको अतिथि देवो भव, सुभाष चंद्र बोस सेवा आश्रम, वह सेवा आश्रम हर उस व्यक्ति के लिए जिसको सब छोड़ देता हो, जहाँ पर सबके रास्ते बंद हो जाते हैं, वहीं से 11A बलवंत राय सुभाष चंद्र बोस सेवा आश्रम शुरू होता है। वो रंजीत रंजन पप्पू यादव का सवाल नहीं है, सवाल है कि जो आज हालात हैं, 86 से 87% लोग, 34 करोड़ लोग भूखे सोते हैं,
एक डिसमिल जमीन नहीं है 54 करोड़ लोगों के पास, 19 करोड़ 88 लाख भूखे सोते हैं, तो देश के जो हालात हैं गरीबी का, बीमारी का, आप जाकर के एम्स में देखिए, जब कोई घटना घटती है तो दवाई तक नसीब नहीं होता। देश और दुनिया के बाहर के लोग आते हैं तो उन्हें रहने और खाने तक का कोई जगह नहीं होता। हमने कहा वो मेरा परिवार है और हम उसे अपनी माँ के तरह, अपने बच्चों के तरह रेस्पेक्ट देखते हैं, हम उसी भाव से सेवा करते हैं। हमारी कश्मीर से आए, वहीं हम किसी भी चीज़ों में राजनीति को नहीं आने देते हैं, सत्ता और वोट पप्पू यादव को प्रभावित नहीं करता है। हम सिर्फ गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति मेरे लिए देव है, हम उसी भाव से सेवा करते हैं जिस भाव से आम आदमी अपने जीवन जीने के लिए, आवश्यकता के लिए ईश्वर की कल्पना करता है। हम बगैर ईश्वर के कल्पना के, ईश्वर के भाव में मीरा के तरह, कृष्ण के एक अच्छे मित्र सुदामा और अर्जुन के भाव में, कृष्ण के भाव में खोकर हम आम आदमी की सेवा करते हैं। इसलिए उसका नाम सुभाष चंद्र सेवा आश्रम है। सुभाष चंद्र बोस मेरे आइडियल हैं और सुभाष चंद्र बोस के जीवन से ही हमने जीना सीखा है। इसीलिए मैं दुनिया के हर उस पीड़ित व्यक्ति की सेवा करूंगा जिसको माँ छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, दुनिया छोड़ दे, हमारे लिए वो मेरी माँ के तरह है, मेरे परिवार के तरह है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मिथिला मिरर से बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा मिथिला मिरर इस चैनल के लिए। हम उम्मीद करते हैं यह चैनल जन जन के हृदय के लोकप्रिय हों, भय मुक्त होकर, किसी भी लोभ ईर्ष्या घृणा से अलग हटकर, किसी भी तरह के ऐसे वातावरण से अलग हटकर, हर व्यक्ति के न्याय के लिए यह मिथिला मिरर आप आगे बढ़ते रहें। जन अधिकार पार्टी पूरी शुभकामना आपको दे। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए हटिए।